नमस्कार, खानानामा में आपका स्वागत है। आज हम घर पर अमृतसरी छोले और भटूरे बनाएंगे, तो आप इस वीडियो को हमारा लास्ट तक जरूर देखें। और अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे अमृतसरी छोले और भटूरे बनाते हैं। अमृतसरी छोले बनाने के लिए हमने 250 ग्राम काबली चना लिया है, जिसको हमने 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और अब हम इसमें ये 5 लहसुन है, इसमें हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 दालचीनी का स्टिक डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी ये 3-4 लौंग है इसे भी डाल देंगे, 2 हरी इलायची और थोड़ी सी ये काली मिर्च है 8-10 दाने, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और अब हम इन सभी को एक कुकर में डालेंगे। अब ये हमने चाय की पत्ती को उबाल करके छान लिया था, ये 2 गिलास के करीब हमारा इसका पानी तैयार हुआ है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको ढक्कन लगा करके ये हम 5-6 सीटी तक उबलने देंगे। 5 सीटी आ गया, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका सीटी प्रेशर निकल जाएगा, फिर हम इसको खोलेंगे। अब हमारा छोले पूरी अच्छी तरीके से उबल गया है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से उबल गया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। छोले के मसाले के लिए हमने 2 मीडियम साइज की प्याज को ग्रेट कर लिया है और ये 3 टमाटर को हमने पील कर लिया है। और इसके मसाले लिए हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच नमक, अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और तड़के के लिए हमने 1/2 छोटा चम्मच जीरा लिया है और ये साबुत धनिया लिया है और थोड़ी सी हमने लंबे कटे हरी मिर्च ले लिए हैं और ये हींग और ये रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो देसी घी में भी डाल करके बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम गैस पर एक फ्राई पैन गरम करेंगे, उसमें 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। और अब हम ये जीरा और धनिया डाल देंगे, साथ में हम हींग भी डाल देंगे और अब प्याज को डाल देंगे और इसको सुनहरा होने तक हम इसको भूनेंगे। थोड़ा सा हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे जिससे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसको भूनेंगे। तो हम इसमें ये हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे और इसको भी हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। और अब हम ये सारे मसालों को हम एक साथ डाल देंगे और इन सभी को हम 2 मिनट तक के लिए अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अब हम ये पील किया हुआ टमाटर को भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम 2 मिनट तक इसको और पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको उबाल आने देंगे। अब ये हमारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से भून गए हैं, अब हम इसको चने में मिला देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसको 5 मिनट तक और उबालेंगे।
अब हमने इसको अच्छी तरीके से चला लिया है। अब इसको ढक करके हम 5 से 10 मिनट तक हम उबालेंगे। अब इस छोले में हम आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर डालेंगे और आधा नींबू का रस डालेंगे हम, और फिर से हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये हम छोले थोड़ा तली वाला बना रहे हैं। अगर आप इसको सूखा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा पानी कम डालें। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए बस और ढक करके हम पकाएंगे, फिर हमारा ये छोले बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम भटूरे का आटा तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 500 ग्राम मैदा लिया है, 3 टेबल स्पून दही लिया है, 2 टेबल स्पून सूजी, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच खाने वाला सोडा, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और ये गूंथने के लिए गुनगुना पानी। अब हम सबसे पहले इसमें हम सूजी डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, सोडा, इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब आधा छोटा चम्मच नमक भी डालेंगे हम, फिर से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम ये 3 टेबल स्पून दही लिए हैं, इसको डाल करके हम अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम ये 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। अब अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसको हम हाथों से गूंथेंगे। इसको बहुत ही नरम आटा गूंथना है, धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, नहीं तो ये बहुत ही गीला हो जाएगा। अब इस तरीके से हमने आटा को गूंथ लिया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। बहुत ही ये सॉफ्ट आटा गूंथा है और अब हम इस पे हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे और इसको हम सिर्फ 1 घंटे के लिए हम ढक करके रखेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम कपड़े गीले कपड़े से हम ढक करके किसी गर्म जगह पे रखेंगे और सिर्फ 1 घंटे के लिए हम गर्म जगह पे रखेंगे। फिर उसके बाद हम इससे भटूरे बनाएंगे। अब 1 घंटे हो गए हैं, आटा हमारा बिल्कुल फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसके भटूरे के लिए लोइयां काट लेते हैं। जैसे हमने ये लोइयां को बना लिया है, अब हम इसको बेलेंगे। इस तरीके से हम एक लेंगे, इसको लंबे या गोल में आप किसी भी तरीके से बेल सकते हैं और इसको पतला बेलना है, बहुत पतला नहीं बेलना है। इस तरीके से बेलना है। अब हमारा तेल चेक कर लेते हैं कि गर्म है कि नहीं। ये बिल्कुल गर्म हो गया है। अब हम भटूरे को डालेंगे। Thank you.
हमारा ये छोले और भटूरे अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो एक बार आप जरूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।